I just like the sound. हेलो एवरीवन, और क्या हालचाल? मौज आ रही है सबकी लॉकडाउन में? घर होंगे? देखो भाई, ऐसा है, अब मौज तो आप लेते ही रहोगे, लेकिन जिन जिन भाइयों को एनडीए का एग्ज़ाम देना है अभी अप्रैल में, उनके लिए अब मौज का समय समझो ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन अगर अभी आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना ये आप कर ले जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास इतने दिन हैं, अभी 90 के आसपास दिन हैं, थोड़े बहुत कम हैं 90 से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतने में हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बेस तो आपका बन ही रहा होगा 10th 11th 12th में। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप अपना एनडीए क्लियर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी स्पेशली मैथ के लिए है, जीएटी के लिए एक अलग वीडियो डाल देंगे हम अपने चैनल पर, लेकिन पहले आपको मैथ के लिए बताते हैं। सबसे पहले मैथ में, मेनली मैथ में 5 सेक्शन होते हैं एनडीए के लिए। पहला सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आता है कैलकुलस, अब बाद में भी ले सकते हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन मटेरियल वही है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एल्जेब्रा और 2D 3D मतलब ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी प्लस स्टेट्स। इसके अलावा छोटे मोटे चैप्टर हैं, लॉग वगैरह, उसको आप देख लेना। मेनली होता क्या है, हर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेस बन जाता है बाकी चैप्टर्स को करने के लिए। तो आप जब दूसरे चैप्टर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री मैं बता दूं, पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, किसी भी चैप्टर में चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है, ट्रिग्नोमेट्री और लॉग ऐसे चैप्टर हैं जो हर चैप्टर में घुस जाएंगे। तो पर्सनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री करिए, उसके बाद एलजेब्रा या कैलकुलस, उसके बाद आप कैसे भी ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। और हाँ, पहले 2D करिए फिर 3D करिए फिर सॉरी पहले 2D करिए फिर वेक्टर करिए फिर 3D करिए, क्योंकि वेक्टर के बाद जब आप 3D करते हैं तो 3D बहुत आसान हो जाता है, और 2D वेक्टर 3D अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने मान लो 2D 3D और ट्रिग्नोमेट्री करके चले गए ढंग तरीके से, तो भी आप क्वालिफाई तो खैर नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन तक कर लोगे। और बाकी एलजेब्रा तो है ही अपना इजी, तो मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। भाई देख, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री में करनी कैसे है, मतलब कि आपको करना कैसे, सबसे पहली बात है NCERT बेसिक है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछता UPSC, सब कुछ NCERT के आता है, लेकिन NCERT को मॉडिफाई करता है UPSC। ठीक है, तो लोगों को लगता है नहीं नहीं NCERT, और सबसे पहले NCERT करो भाई, NCERT में जितने थ्योरम है, एल्गोरिथम है, वो सब कर लीजिए, उसके बाद कहीं आइए आप दूसरी बुक पे। मेरी सलाह ये होगी, पहले आप NCERT कीजिए, उसके बाद कहीं नहीं जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए बस। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं 10 साल के, तो भी एक साल में 240 क्वेश्चन, 10 साल के 2400 क्वेश्चन है भाई साहब, 2400 क्वेश्चन अगर आपने पूरे मैथ के लिए कर लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप बस प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है, थोड़ी बहुत बुक अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है आपके पास, वो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो आप अदर बुक्स लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली प्रीवियस ईयर और NCERT, प्रीवियस ईयर प्लस NCERT, प्रीवियस ईयर प्लस NCERT, बात खत्म। तो एक स्ट्रेटजी लगाइए, मतलब अगर आप अभी एक दो दिन तो लग ही जाएगा, खैर 21 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। 21 से आप मान लीजिए एक दो दिन में कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि भाई मैथ की एक चीज़ है, देखो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो घंटा कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस ही मैथ को आपको सुधार सकती है, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रेटजी टाइप बताई है कि आप एक चैप्टर को मुश्किल से मुश्किल, मतलब एक चैप्टर मैंने जैसे डिवाइड किया है, 7 से 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इन द सेंस कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट्स एंड डिस्टेंस, और बाकी मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप अगर लगाते हैं तो 2 से 3 दिन में कॉन्सेप्ट कर लेंगे, 2 से 3 दिन में कॉन्सेप्ट खत्म, उसके बाद आप 4 से 3-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये मानता हूँ अगर आपने ऐसा कर लिया ना, 6 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, तो कम से कम अगर ट्रिग्नोमेट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से आप 16, 17, 18 और कहो तो अगर इजी पेपर आ गए तो 20 के 20 भी कर सकते हैं 6-7 दिन में। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री को उठाना रिवीजन टाइम, उसके बाद आप अपने हिसाब से, अगर एलजेब्रा में नॉर्मली एलजेब्रा थोड़ा बड़ा है तो
15 से 20 दिन लगते हैं अलजेब्रा करने में, और अपनी अपनी स्पीड के ऊपर 5 2 4 5 दिन ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। अगर आप कैलकुलस करने बैठते हैं तो कैलकुलस में भी टाइम लगता है, कैलकुलस के जैसे कि वो हो गया AOD, हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के एप्लीकेशन, और वो क्या नाम है उसका, एक और चैप्टर है, 5 चैप्टर है मतलब उसके ट्रिग्नोमेट्री, वो कैलकुलस में 5 चैप्टर है। अगर आप 5 चैप्टर करते हो तो करीब करीब 20 दिन ये खाता है, तो 20 दिन उसके और 20 दिन एलजेब्रा के, और प्रोबेबिलिटी स्टैट मुश्किल से मुश्किल 4 5 दिन, तो 20 और 20 40, और ट्रिग्नोमेट्री के मान लो 10, मान लो 50, और 10 दिन आप और मान लो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स वगैरह या फिर किसी का लॉग वगैरह रह जाए, तो आप 60 दिन में सिलेबस ख़त्म कर लोगे मैथ का। 60 दिन अगर सिलेबस ख़त्म किया, बचे आपके पास 25 से 30 दिन, बचे 20 25 से 30 दिन बचे, उसमें आप सबको एक एक बार रिवाइज कर लो। मेरा मानना है अगर आपने ऐसा कर लिया ना भाई, इतने दिन अगर कर लिया, 200 नंबर कहीं नहीं गए मैथ में, और मैथ में 200 नंबर का मतलब पता है आप टॉप 50 में हो गए, क्योंकि GAT में हर बच्चा स्कोर कर लेता है, GAT का पेपर इजी भी आता है और GAT इजी होती भी है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, गारंटेड आप रैंक करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे GAT की स्ट्रेटजी बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।